बारे को प्रेम चाचा, आखिरकार आज आप अपनी दुकान के मालिक बनी गए। बेटा जहाँ चाहा वहाँ रहा, अच्छी सोच और मेहनत करने वालों की हर मुराद पूरी होती है, और फिर जो मेरी तरह मेहनत करेगा उसका हर सपना पूरा होगा। मुझे याद है जब मैं रेडी लगाया करता था। ये है प्रेम चाचा, हमारी इस फिल्म के हीरो। जैसा नाम वैसा काम, प्रेम से खिलाना, ग्राहकों का मेला और बरकत ही बरकत। और ये है पप्पू भैया, बैठे हैं खाली और बिकती नहीं इनकी एक भी थाली। जरा सोचिए, दोनों रेड़ियां पास पास, फिर भी प्रेम चाचा बन गए ग्राहकों के खास। प्रेम चाचा की हो रही है दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की, और पप्पू भैया ठन ठन गोपाल। सोचिए सोचिए, मिला जवाब। प्रेम चाचा का जोरों पर है धंधा और पप्पू भैया का मंदा, क्योंकि प्रेम चाचा ने भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा बनाए गए मानकों को अपनाया, पर पप्पू भैया ये बात न समझ पाया। सड़क किनारे बिकने वाला ये खाना हम सब बड़े मजे लेकर खाते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे ये सस्ता है, स्वादिष्ट भी लगता है, समय की बचत भी होती है, या फिर आसानी से इसकी उपलब्धता। भारत में लाखों लोगों की आजीविका का ये साधन है। ऐसी ज्यादातर रेहड़ियां सड़क के किनारे खड़ी होती हैं और उनमें साफ सफाई नहीं होती। स्वच्छता से खाना न खिलाना और फिर कई बीमारियों का पैदा होना, ये भी यहाँ होता है। तो रेहड़ी पटरी वालों, सही जानकारी और समझदारी से बदलो अपनी दुनिया। छोटी छोटी बातें अपनाओ और ढेर सारा मुनाफा पाओ। अब देखते हैं कि पप्पू भैया मन ही मन क्या सोच रहे हैं। लगता है प्रेम के ग्रह नक्षत्र सही दिशा में चल रहे हैं। कुछ उपाय तो जरूर किया होगा, तभी इसके सितारे बुलंद हैं। ये देखिए प्रेम चाचा की सफलता का राज, जो पप्पू भैया को नहीं आया राज। अरे प्रेम चाचा, इतनी महंगी सब्जी आप फेंक क्यों रहे हैं? भाई ग्राहक भगवान के समान होता है, और उन्हें ऐसी गली सड़ी सब्जियां खिलाकर अपना नुकसान थोड़ी ना कराऊंगा। और इन तेल मसालों पर एक्सपायरी डेट लिखी होती है, इस पर ध्यान देना होता है। इसे खत्म होने से पहले पहले इस डेट तक हमारे को इस्तेमाल करना होता है, समझे? प्रेम चाचा ने हर वो बात अपनाई है जिससे उनके ग्राहक बने रहें और उनके नाम और काम पर कोई भी उंगली ना उठा पाए। अजी वाह, प्रेम चाचा तो बस छा गए। आप सभी फेरी लगाकर खाने का सामान बेचते हैं, आप में से जो भी खाद्य सुरक्षा उपायों को अपनाएगा, ग्राहकों को अच्छा और सुरक्षित खाना खिलाएगा, वो ही पाएगा वाहवाही और ज्यादा कमाई। अगर साफ सफाई का ध्यान न रखा जाए तो खाद्य जनित कई बीमारियां हो जाती हैं, जो जानलेवा साबित हो सकती हैं। नतीजा आपका नाम भी खराब, ग्राहक आना भी बंद, और सबसे बड़ी बात काम धंधा खत्म। और किसी ने आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर दी, सोचिए क्या होगा। पर पप्पू भैया के मन में सबसे बड़ा सवाल कि उसके यहाँ ग्राहक आए कैसे। कमाल है, प्रेम चाचा के मुकाबले कितने दाम गिरा दिए, फिर भी अब... अरे यार, इससे बढ़िया तो वहां से खाते हैं। वो देख कितनी सफाई से बनाता और परोसता है। 2-5 रुपए बचाकर क्यों 1000 रुपए की बीमारी खरीदेगा। अरे ये खाकर बीमार पड़ गया तो दिहाड़ी का नुकसान। चल यहाँ से, चल आजा। BIS द्वारा बताए गए सभी खाद्य मानकों को अपनाकर सुरक्षित स्वास्थ्य के लिए भोजन बनाने का संकल्प करें, ग्राहकों का विश्वास जीतें और अपना कल बेहतर बनाएं, साथ ही स्वच्छ भारत निर्माण में अपना सहयोग दें। साफ सफाई से खाना खिलाने से क्या फायदा होता है, मैं जानता हूँ। आप भी BIS के मानकों का अगर ध्यान रखेंगे तो न सिर्फ आपके खाने की क्वालिटी बढ़िया होगी, बल्कि सेल भी ज्यादा हो सकती है, और ज्यादा सेल मतलब ज्यादा मुनाफा। बस आप फूड आइटम को बनाते और देते हुए इन बातों का ध्यान रखिए। वेंडिंग गाड़ियां या रेहड़ियां स्टेनलेस स्टील जैसे पदार्थों से बनी हों, 60 से 70 सेंटीमीटर जमीनी स्तर से ऊपर हों। खराब या सड़े गले खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल न करें, अच्छी क्वालिटी की चीजों का ही प्रयोग करें। तेल व मसालों आदि की एक्सपायरी डेट जरूर देखें। तेल को बार बार गर्म करके इस्तेमाल न करें। धूल मिट्टी, सूरज की तेज रोशनी से खाने को बचाएं। नाखून छोटे रखें। हाथों में ग्लव्स पहनकर साफ हाथों से ही खाद्य पदार्थों को ग्राहकों को दें। बालों को ढक कर रखें, साफ कपड़े और एप्रन पहनें।
खाने को जमीन के नजदीक न रखें और उसे खुले में न पकाएं। आसपास सफाई रखें। रेहड़ी के पास कूड़ा डालने के लिए कूड़ेदान रखें। मक्खी मच्छर से खाद्य पदार्थों का उचित बचाव करें। टंकी के बहते पानी से ही बर्तन साफ करें, टब में भरे पानी से नहीं। डिस्पोजेबल प्लेट्स प्रयोग में लाएं। पॉलिथिन का प्रयोग न करें। रेहड़ियां लगाने की जगह प्रदूषित क्षेत्रों से दूर होनी चाहिए। रेहड़ियां केवल अधिकृत क्षेत्रों में ही लगाएं और सुनिश्चित करें कि यातायात में बाधा न हो। खाना पकाने, भंडारण और परोसने के लिए तांबे, कैडमियम, सीसे, गैर खाद्य ग्रेड प्लास्टिक और अन्य विषाक्त पदार्थों के बर्तनों का प्रयोग न करें। बर्तनों को एप्रन, गंदे कपड़े या मैले तौलिये आदि से न पोंछें। कप, ग्लास और प्लेट आदि के किनारों को उंगलियों से न छुएं। रेडी टू यूज फूड और आइस को कलछी, चिमटे आदि से ही उठाएं। सब्जियों को पेयजल से धोएं, साथ ही चावल और दाल आदि को भी पकाने से पहले धोएं। टेक अवे फूड को फूड ग्रेड प्लास्टिक या एल्यूमिनियम पन्नी में लपेट कर दें। हाथ धोने के लिए नल वाली अलग पानी की टंकी का प्रयोग करें। ज्यादा जानकारी के लिए BIS की वेबसाइट www.bis.gov.in पर लॉग इन करें। खुशियां बेचो, खुशियां पाओ। हैप्पी सेलिंग।